बॉबी झा मेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शहर कर रहा है पानी के लिए संघर्ष और रोज 50 से अधिक टैंकर पी रही है सीमेंट सड़क। शहर जल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन हर दिन 50 से अधिक टैंकर सीमेंट सड़कों की प्यास बुझा रहे हैं। यदि सीमेंट सड़कों पर पानी नहीं डाले तो निश्चित रूप से वह खराब हो जाएगी, लेकिन जहां से यह पानी लाया जा रहा है उस एरिया के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही, कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कहां से लाते हैं ये पानी? शहर में जल संकट की स्थिति को देखते हुए मनपा ने निर्णय कार्य में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस मामले में मनीष नगर में एक ठेकेदार पर भी कार्रवाई की गई। फिलहाल शहर में जगह जगह सीमेंट सड़क का काम चल रहा है, इसके लिए भी बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दावा किया है कि यह पीने का पानी नहीं है, यानी जलकुंभ या किसी नल से इन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार अपने पानी की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। अनुमान यही है कि निजी बोरेवेल या कुएं से पानी लिया जा रहा है। स्थानीय मजदूर भी यही कह रहे हैं, लेकिन ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक कोई भी यह बात बताने को तैयार नहीं है कि वह पानी कहां से ला रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन इलाकों में सीमेंट सड़कों को लेकर काम शुरू है वहां पानी की भीषण किल्लत है। प्रशासन का दावा है कि भूगर्भ का जल स्तर तेजी से घटा है, ऐसे में भूगर्भ के पानी के दोहन का आरोप भी लग रहा है। मेडिकल चौक से वैद्यनाथ चौक के बीच सीमेंट सड़क का काम चल रहा है, यहाँ टैंकरों से पानी डाला जाता है। ऐसी ही स्थिति अजनी के सामने सिंचाई विभाग की है, यहाँ भी सीमेंट सड़क पर पानी डाला जा रहा है। वहीं मोहन नगर में बन रही सीमेंट सड़क में वही के कुएं से पाइपलाइन से पानी डाला जा रहा है, जबकि ठेकेदार का दावा है कि वह जिस कुएं से पानी ले रहे हैं वह खराब है, इस वजह से वह उसका उपयोग कर रहे हैं। सीमेंट रोड सहित किसी भी निर्णय कार्य के लिए पीने का पानी नहीं दिया जाता है, वे खुद अपनी व्यवस्था करते हैं। अगर किसी को पीने के पानी का टैंकर दिखाई देता है तो वे 1800266 9899 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें, तुरंत कार्यवाही की जाएगी। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।